से बात कर रहे हैं। लासानी सब्जी शाह हमारी, ये गोरा साहब हैं, ये आए हैं मोड़ा सदर सदर से, हमसे सब्जी लेके जाते हैं। इन्होंने उनको शाप रखी हुई है, ये मुनासिब रेट है इसलिए इधर आते हैं। ये हमारी शाप से लेके जाते हैं और उनको सेल करते हैं। आइए गोरा साहब, आप सारे कस्टमर क्या चल रहा है? पहले मैं सब मुबारकबाद देवगा कि जनाब पाँच साल हो गए जनाब इस दुकान बने और सब्जी फ्रूट जरा बड़ा सस्ता मिल रहा है, पर यार मिल रहा है हर गरीब इंसान हर गरीब तबके तलक रखने वाला बंदा जरा इस दुकान का आता पाया जनाब। साफ सुथरी सब्जी अपनी मर्जी ने चुन गया, पूरे पिंपल की कोई बंदा साफ सुथरी सब्जी नहीं देना, ना ही साफ देना ना ही चुनका भी देना, अपनी मर्जी चुनका खेलने जनाब। रेट भी जायज मुनासिब जनाब, जाग रखा तमर आखने और पूरा जरा रेट है इन्होंने पूरे पिंपल का घट है और इंशाल्लाह साफ सुथरी दे रहे जाग रख सही जरा इन्होंने हम जारी है और इंशाल्लाह इन्होंने दुकान जी कामयाब रहेगी। असी तमाम दाग जो है मछली आएगी फिर जनाब नाल मसाला देना फ्री होना है। अच्छा जनाब फिर साफ सुथरी मछली आएगी जनाब, गोश्त भी अच्छा होगा, रेट भी अपनी मर्जी ना बना खरीद के जा सकते जी। ठीक है, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। तुझी दसो जनाब रस्ता दियो, सब्जियां के रेट दसो हमने तो ये हमने तो पीछे चल चुके हैं, कल भी हमने जो है ये रिकॉर्डिंग की थी, यही आपको बताया था कि यही बताया था। माशाल्लाह बहुत अच्छी सब्जी होती है हमारे पास और रेट भी जो है मुनासिब होते हैं। ये खीरे है, इसका रेट क्या बात बताओ? ये करेला है, ये अभी खीरे का रेट जो है 100 है और करेले का रेट 140 रुपये है और तोरिया जो है 100 रुपये लगाया का रेट जो है 90 रुपये है और इसके बाद आ रहे थोड़ी सी जो है तेल जा रही है अभी, इसका रेट क्या भाई जान? 250 रुपये किलो हम शिमला दे रहे हैं और कद्दू शरीफ 70 रुपये कद्दू शरीफ दे रहे हैं चलना है उधर भी चल रहा है। ये जो शलजम है इसका रेट जो हमने 80 रुपए जो सेल कर रहे हैं, बंद गोभी जो है 80 रुपए किलो, बंद गोभी का रेट जो है डाउन हो गया है। फालतू के ना जी, टमाटर है, टमाटर का कल पूछो ना। हाँ भाई, टमाटर का क्या रेट क्या है? 150 रुपए किलो टमाटर आज हमने 150 रुपए लगाया हुआ है। प्याज प्याज और प्याज जो है भाजी साहब दसो, प्याज प्याज सर 100 रुपए किलो, माल माल आवाज है, प्याज 100 रुपए किलो, प्याज 100 रुपए किलो साहब रेट रह गए पैसा दसो सारे आलू इसका रेट 100 रुपए किलो नए आलू आए आज आए इनका रेट हमने 200 रुपए किलो लगाया है। प्याज की जो है इसको भी हमने जोड़ दिया 100 रुपए किलो लगाया हुआ है। ध्यान आया है इसका हमने रेट जो है लगाया हुआ 60 रुपए किलो, हाँ जी ये 60 रुपए किलो है और ये प्याज जो है 100 रुपए किलो किया हुआ है और ये नया आलू है इसका भी रेट जो है हमने डोर किया 100 रुपए लगाया हुआ है। अरे बिल्डिंग रेट क्या है? हाँ ये बिल्डिंग जो है ये बिल्कुल फ्रेश बिल्डिंग है, 120 रुपए किलो लगाई हुई है हमने। अभी आप इधर देखे ये हमारे नाना बू है, ये इधर काम करते हैं, सफाई सफुई करते हैं, सब्जी जो फ्रेश करती है। ऊपर तो वो नाना बू जी ऊपर तो ना बताओ इनको, हम इधर काम करते हैं। बिस्मिल्लाह भाई साहब के ना
ये लाहौर से आए हुए हैं, ये हमारे शॉप पे इनसे काम करते हैं। इनका सिर्फ काम यही है कि आलू और प्याज जो है साफ करते हैं, साफ करके आगे लगाते हैं, फिर उठा के लेके जाता है, फिर रोला पाते हैं। और ये हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, ये देखिए ये प्याज पड़े हुए हैं, ये आलू की बोरी पड़ी हुई है, ठीक है जी, ये गोभी पड़ी हुई है, ये करेले पड़े हुए हैं, ये कद्दू शरीफ पड़ा हुआ है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे रेट भी मुनासिब है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि गरीब आदमी को जिस तरह हो सके उतना वो रिस्पांस दे। अल्लाह हाफिज़।